हेलो बच्चों, कैसे हैं? हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो फिर लेके आए हैं, जिसमें कुछ नियम हैं, जैसे फैराडे के नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम बहुत पूछे जाते हैं, और इससे संबंधित लेंज का नियम भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को हम लेके आए हैं। बहुत बच्चों की फरमाइश थी, चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला नियम जो दिया गया है फैराडे का नियम है। फैराडे का नियम है, इस फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी निम्नलिखित दो नियम हैं। ठीक, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम है कि इसे हम प्रथम नियम या पहला नियम कहते हैं, कि जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे अपने प्रथम नियम में कहते हैं कि यदि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना है, डेल्टा फाई बी हो, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई बराबर होगा माइनस का डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी के, ये दिया गया है। ठीक, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, जैसे ये कुंडली बनाई जाती है, ये कुंडली है और इसमें तारों को लपेट कर ऐसे ऐसे करके बनाई जाती है, तो इसको कहते हैं कुंडली। इसमें फेरों की संख्या कितनी दी गई है, एन दी गई हो, तो उस कंडीशन में विद्युत वाहक बल ई इक्वल टू होगा माइनस का एन डी फाई बाई डी टी के। डेल्टा को बाहर कर लेते हैं, एन फाई बाई डी टी ये हो गया, जहाँ एन फाई बाई डी टी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहते हैं, इसे ही हम फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, बच्चों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आना ही आना है इसको। उसके बाद इसका द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार करा किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है या उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती है, इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं बेटा। और ये वाला जो समीकरण दिया गया है हमारा फैराडे का, इसे हम न्यूमैन का समीकरण भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, न्यूमैन का समीकरण भी कहते हैं। ठीक, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, लेंज का नियम भी कहते हैं, जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये बहुविकल्प भी पूछा गया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का, इससे संबंधित बायो सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और प्रयोगों द्वारा यह बताया कि धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है, नंबर एक है कि ये चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, समीकरण नंबर एक मिल गया। दूसरा है कि यह अल्पांश लंबाई, छोटी जो इसकी लंबाई है, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, समीकरण नंबर दो हो गया। ठीक, तीसरी बात यह करा कि यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हो, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा के, समीकरण नंबर तीन बन गया हमारा। उसके बाद करा कि यह दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समीकरण नंबर चार। और इसमें दिया गया है कि एक ये धारावाही चालक ले लेते हैं, ठीक, इसकी एक अल्पांश लंबाई है, इसको कहते हैं डेल्टा एल, इसको कहते हैं डेल्टा एल। यहाँ से यहाँ आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसका जो कोण दिया है वो थीटा दिया गया है। ठीक, इसकी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल दी गई है। अब चारों नियमों को मिला देते हैं बेटा, जब चारों नियमों को मिलाते हैं तो हमें मिलता क्या है कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये जो संबंध हमको मिल रहा है ये वाला, इसको कहते हैं बायो सेवर्ट नियम। इसे हम क्या कहते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। और यदि चालक, हमारा जो चालक है वो निर्वात या वायु में है, निर्वात या वायु में है, तो फिर हम इनमें एक कांस्टेंट डाल देते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू है μ0/4π, जहाँ पर μ0 क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता। μ0/4π एक नियतांक है, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हर साल। ठीक, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम ये
बहुत पूछा जाता है। ठीक, कथन इनका क्या है? कथन कह रहे हैं कि किसी बंद परिपथ में, बिल्कुल गॉस की प्रमेय की तरह है, परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद, उसमें क्या है? आवेश बाउंडेड होना चाहिए। इसमें भी एक परिपथ दिया गया, देखिए ये अनंत लंबाई का एक चालक तार है, रेखीय समाकलन नेट घिरी धारा का म्यू जीरो गुना होता है, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ होल का मतलब पूरे का इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई के, ये इसका कथन है। ठीक, आइए चलते हैं इसके प्रूफ पर। ठीक, प्रूफ इसका क्या है कि हम जानते हैं, हमें फार्मूला पता है कि बी बराबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू जीरो अपॉन टू पाई इंटू आई बाई आर के, ये समीकरण नंबर एक है। ठीक, अब उसका एक साइड ले लेते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया है बी डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल की वैल्यू होती है बी डी एल कॉस थीटा, चूँकि हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। ठीक, उसी तरीके से ये हो गया बी डॉट डी एल। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखने वाली बात है कि ये हमारा चालक है, ठीक, इसके चारों ओर ये बाउंडेड है, इसका ये पृष्ठ है, चुंबकीय क्षेत्र भी डायरेक्शन इधर है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर है। जब एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का थीटा कितना है? जीरो डिग्री, यानी हमारा एरिया वेक्टर भी इधर है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है। इस तरीके से ये हो गया बी डॉट डी एल के। डी एल क्या है? छोटी छोटी लंबाई है, तो इस तरीके से पूरी लंबाई कितनी हो गई भाई? छोटी छोटी लंबाई को पूरा कर लिया तो हो गया कितना? टू पाई आर के, यानी परिधि के बराबर। तो बी की वैल्यू होती समीकरण एक से म्यू जीरो पान टू पाई आई बाय आर इंटू डी एल क्या है? पूरी परिधि टू पाई आर, आर से आर कैंसिल, टू पाई से टू पाई, मिला कितना? म्यू जीरो इंटू आई के। अर्थात ये एम्पियर का परिपथी नियम है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आई के। ठीक, ये हो गए तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। एक बार फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।